अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं इधर बादशाह के कस्बे मलका हंस में, जहाँ वो 1766 ईस्वी में जनरल शेर खान से तशरीफ लाए थे और इधर एक मस्जिद में बैठ के उन्होंने बादशाह की हीर लिखी थी। तो आइए लेके चलते हैं आपको मस्जिद बादशाह। जी तो हम मौजूद हैं मलका हंस में और आपको मलका हंस की गलियों से लेके आगे हम लेके चलेंगे मस्जिद बादशाह में। ये मेरे टीम मेंबर्स मेरे साथ हैं, तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हम मौजूद है मलका हंस जामिया मस्जिद सैयद बादशाह में। आए आपको दिखाते हैं मस्जिद के अंदर का व्यू। ये नाजरीन की तारीख लिखी हुई है कि वारिस शाह जो थे उनकी मलका हंस आमद कैसे हुई। पहले ये शहर बस्ती कुतुबाबाद और ठट्ठा जाहिद के नाम से मौसूम रहा। पुराने कस्बात में से एक है जहाँ ज़माना कदीम में छोका और सलाविया की अकवाम आबाद थी। शाहजहां के दौर में ठट्ठा जाहिद का नाम मलका हंस पड़ गया। मुगलों के अहद में हंस ही बड़े जागीरदार थे। मस्जिद सैयद वारिस शाह के अलावा परनामी मंदिर भी एक तारीखी विरसा है जो हिंदू कौम छज्जू की बड़ी इबादतगाह थी। भाग भरी इसी मंदिर की दासी थी और बाबा लालू का मंदिर परनामी हाई स्कूल जिनके नाम तकरीबन 14 मुरब्बा रकबा मौजूद है। हिंदुओं की समाधियां शाही ब्रज अलग है और ये शाही मस्जिद की तारीख है। इसके बाद आ गई कि इसका क्याम 740 हिजरी में हुआ। 769 हिजरी 1328 ईस्वी के दौर का ताल्लुक मोहम्मद तगलक से है जिसमें इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई। ये बस्ती ठट्ठा जाहिद की बस्ती कहलाती थी। वारिस शाह की आमद 1176 हिजरी में हुई और आपने इसी मस्जिद के हुजरे में बैठकर पंजाबी जुबान का अजीम शाहकार हीर वारिस शाह तसनीफ की, जिसकी वजह से आपको पंजाबी जुबान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इसके बाद ये नाजरीन सैयद वारिस शाह के हालात जिंदगी लिखे हुए हैं और ये मलका हंस की जो हदूद अरबा है और जो मलका हंस की तारुफ है वो लिखा हुआ। आइए अब आपको लेके चलते हैं उस हुजरे में जहाँ बैठकर सैयद वारिस शाह ने हीर तख्लीक की थी। वारिस शाह और सदाए जूंदे ने जिन्ना कीतियां ने कमाइयां ने। आए जी हम इस वक्त मौजूद हैं उस हुजरे में जहाँ पर बैठकर सैयद वारिस शाह ने हीर तख्लीक की थी। आए आपको हुजरे का अंदरून विजिट करवाते हैं। ये है नाज़रीन वो हुजरा मुबारक जहाँ पर बैठ के वारिस शाह ने हीर रांझा जैसी तसनीफ तख्लीक की थी जो आज भी लोगों के दिलों में बसती है। और यहाँ पे वारिस शाह के बड़े मशहूर शेर भी लिखे हुए हैं। खरल हांस ना मुल्क मशहूर मलका जिथे शेर कीता नाल रास दे मैं परख शेर दी आप कर लैन शायर घोड़ा फेरिया विच नखास दे मैं। गोशे बैठ के ही किताब लिखी यारा वास्ते नाल क्यास दे मैं पढ़न गबरू देश विच खुश होके फुल बेचिया वास्ते बास दे मैं। मोडे कमली धरी मुजमले दी खुंडी रंगली हथ यासीन काजी नबी पाक होया छेड़ू उमतां दा रांझे बाहू ना मजी चरीन काजी। और ये बड़ा मशहूर शेर है कि अव्वल हम खुदा दा विर्द कीजिए इश्क कीता सो जग दा मूल मियां पहलो आप ही रब ने इश्क कीता माशूक है नबी रसूल मियां। तो नाजरीन ये है हुजरा वारिस शाह। तो ये है नाज़रीन वो असल जगह जो उस हुजरे के नीचे एक तहखाने में मौजूद है इस वक्त।
जहां बैठ के एक्चुअली हीर राजा की दास्तान लिखी गई थी। नाजरीन, ये है वो परनामी मंदिर जिसका आपने जिक्र पीछे कतबे पे लिखा और पढ़ा था। तो इसके अंदर तो चूंकि फैमिलीज आबाद है इसलिए अंदर से इसे देखने की इजाजत नहीं है, लिहाजा बाहर से दिखा रहे हैं। तो नाजरीन, ये था जनियाला शेर खान से आने वाले सैयद वारिस शाह का मलका हास कस्बा, जो आज हमने आपको विजिट करवाया है। उम्मीद है मंदिर और जामे मस्जिद सैयद वारिस शाह की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।